उपायुक्त ने नवनिर्मित संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण। मेदिनीनगर पलामू। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन ने नवनिर्मित संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया, जहां उनकी उचित काउंसलिंग की जाएगी। इस दौरान उपायुक्त ने संप्रेक्षण गृह में बने रूम, किचन, शौचालय सहित सभी सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संप्रेक्षण गृह में सुरक्षा के प्रावधानों पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने संप्रेक्षण गृह के चार दीवारी के ऊपर कंटीली तार लगाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में वे बच्चों के रहने के लिए बनाए गए कमरों से संतुष्ट दिखे। वहीं संप्रेक्षण गृह में बच्चों के लिए बनाए गए शौचालय की स्थिति में सुधार लाने का निर्देश भी दिया। नवनिर्मित संप्रेक्षण गृह के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि गृह में 18 वर्ष से कम आयु में अपराध करने वाले युवाओं को रखा जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि गृह में बच्चों के लिए खेलकूद और अन्य मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था हो। उपायुक्त ने वहां मौजूद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को 15 दिसंबर 2020 तक सभी कार्यों को पूर्ण कर संप्रेक्षण गृह की शुरुआत करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में मौजूद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आफताब आलम ने बताया कि संप्रेक्षण गृह में सरकार द्वारा 50 बच्चों को रखने का निर्देश दिया गया था। जिला प्रशासन की तत्परता से पलामू जिले में बनाए गए संप्रेक्षण गृह में 75 बच्चों के रहने की व्यवस्था है। इसके अलावा संप्रेक्षण गृह में बच्चों के लिए उचित खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि बनाए गए संप्रेक्षण गृह में बच्चों की लीगल काउंसलिंग के साथ साथ पढ़ाने के लिए टीचर की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जल्द ही संप्रेक्षण गृह में खेल कूद, इंडोर तथा आउटडोर दोनों तरह के एवं मनोरंजक गतिविधियों के लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन के अलावा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आफताब आलम, DCPO प्रकाश कुमार तथा पोषण अभियान समन्वयक जीशान अहमद मौजूद थे। R9 भारत के लिए आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड। आकर्षण ऑफर ने युवाओं को लुभाया, जिले में करोड़ों का हुआ कारोबार। धनतेरस को लेकर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। देर शाम तक लोगों ने खरीदारी की। आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक के दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शहर के चौक बाजार, गांधी चौक, ग्रीन होटल मोड़ से दुकानों में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखे। गांधी चौक व ग्रीन होटल चौक पर पुलिस के बल तैनात कर वाहनों को प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। वहीं जिले में करोड़ों का कारोबार का अनुमान है। पिछले वर्ष 10 से 15 करोड़ का कारोबार हुआ था। साथ ही आकर्षक ऑफर में युवाओं ने मोटरसाइकिल, टीवी व फ्रिज सहित अन्य सामानों की जमकर खरीदारी की। R9 भारत के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, झारखंड, साहिबगंज।